मन मेरा बहुत था कि यार मैं तुम लोगों को बोलूं गुड मॉर्निंग, कैसे हो, स्वागत है व्लॉग में भाई। आज वाला व्लॉग कुछ ऐसा है कि यार अपनी फ्लाइट है रात के 10:45 की, एंड अभी मैं तुम लोगों को टाइम एक बार दिखा देता हूं। एक अपना फोन पड़ा होगा भाई, 2:23 हो रहे हैं, ठीक है, एंड 10:45 की फ्लाइट है। मैं अभी नागालैंड में हूँ, दीमापुर पहुंचने वाले अपन सोन लो 1.5 घंटे के आसपास में, और हमें जाना है गुवाहाटी। गुवाहाटी से अपनी फ्लाइट है दिल्ली की ओर, ठीक है, मेरी और भाई की है। सीन क्या हुआ, अपने आसपास कोई भी अपना कॉन्वे नहीं चल रहा, ठीक है, जितने सारे ग्रुप मेंबर थे वो लोग आराम आराम से गुवाहाटी आएंगे क्योंकि उन सबकी फ्लाइट कल है, अपनी आज रात की है। भाई को निकलना क्योंकि भाई का बर्थडे है, तुम जानते हो भाई का मतलब, और भी कुछ घर में सीन है ना, कुछ काम भी है, काम है थोड़ा अर्जेंट, मेन तो वही कंसर्न था सबसे ज्यादा, तो रात में ही निकल गए। मैं सोचा चलो यार अगर रात में निकल रहे तो मैं भी निकल जाता हूँ, क्या कल में निकलना, ठीक है। तो हाँ, हम थोड़ा लेट नाइट भी सोए थे, इस वजह से ना गुड नाइट कर पाए ना गुड मॉर्निंग कर पाए, भागम भाग में सारा सीन उलट पुलट हो गया। देखो लेट नाइट तो सोए थे, पर मेन ये भी है कि यार थोड़ा लेट हम निकले भी, निकलने को जल्दी निकल भी सकते थे, निकलने का वही वाला सीन है कि जैसे डेली निकल लेते थे 5 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग उठना, 6 बजे उठना, और तो आज लोगों को मिल गया कि चलो आज आराम से निकलते हैं, चिल मोड ऑन हो गया सबका, वही है कि पर अपने को तो निकलना था जल्दी, तो अब सबके साथ निकले लेट वो गलती होगी, वो साइड से तो देखो मानते हैं, लेकिन फिर अब कॉन्वे तोड़ के अपन फटाफट से निकल रहे हैं ना, एंड पीछे अजय भाई बैठा है। सीन क्या होगा कि यार हम एयरपोर्ट जाएंगे फटाफट से, गाड़ी सीधा एयरपोर्ट ही जाने वाली, ठीक है, सामान वगैरह सब लदा हुआ है। अजय भाई फिर गाड़ी लेके गुवाहाटी में जो भी होटल लेंगे वो लोग उधर पहुँचेंगे, एंड साथ में अवनीश भाई भी हैं, ठीक है, ये भी अपने साथ, मतलब अपने को सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि हम दोनों की अभी कभी बैंड बज रखी है। मेरा तो एकदम प्लान ही था ब्लॉग करने का, मैं सोचा कि चलो यार आज रहने देते हैं, मतलब समझ रहे ना, कुछ बसोड़ी थी मतलब कि यार कहीं मिस ना हो जाए फ्लाइट, पर भाई ने बोला कि अबे चलना अपनी स्ट्रीक क्यों तोड़ रहा है, बना लेना व्लॉग, क्या दिक्कत है इसमें, चलो यार लोगों को बताया तो ये सीन है, ठीक है, ठीक है जी, ओके ओके चलो यार अब कोशिश तो ये रहेगी भाई, पहुंचा दोगे मतलब फ्लाइट पकड़ा दोगे, बताओ इतने बजे सीधा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और फ्लाइट भाई 10:45 की है, तो तुम देख लो मतलब कितना ज्यादा, तुम समझ पा रहे हो, तुम कनेक्ट कर पा रहे हो ना मुझसे, इतना ज्यादा मतलब एक जल्दीबाजी सी हो रही है, ठीक है। अब बाकी एयरपोर्ट्स में क्या होता है, 2 घंटे पहले पहुंचना, तो पर मैंने देखा कि जितने भी थोड़े छोटे मोटे एयरपोर्ट हम बोल सकते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी जो नहीं है, उन वाले एयरपोर्ट में आप आधे घंटे पहले ही पहुंचो तो रिक्वेस्ट करके वो मान सकते हैं, कंफर्म नहीं है पर हो सकता है। दिल्ली में तो चलो स्पेशली है कि 2 घंटे में पहुंचना ही पहुंचना होता है। असम बॉर्डर क्रॉस कर दिया है और अभी भी देख लो 10:33 दिखा रहा है अराइवल टाइम, क्यों दिखा रहा है वैसे भाई, क्या हो गया, कम हो गया था वैसे टाइम का, इतना भाई है भाई, ये क्या कर रही, चिकन का बच्चा नहीं होता वो, चिकन का लेग पीस बन जाता, चिकन का भाई मैं बता रहा हूँ, भाई ने बहुत बढ़िया टाइम कवर कर लिया था, पर यार यहाँ पे दीमापुर के अंदर एक रास्ता बंद मिला, उसके वजह से इतना तगड़ा जाम पड़ गया ना, मुझे लगता है हमने आधा पौना घंटा कम कर दिया था, इतना तो हो ही गया, और अभी अगर वो ट्रैफिक अगर वो डाइवर्जन नहीं होता ना, क्योंकि हमें पूरा एंटायर मतलब पूरा जो सिटी था ना, एक तरीके से मान लो हम चांदनी चौक में फंस गए थे, अब चांदनी चौक से आपको पता होगा कि एक बार चांदनी चौक की जो पुराने वाली लाइन थी अब तो डेवलप कर दिया, अगर वैसी लाइन में अगर बंदा घुस जाए तो भाई वो टाउन हॉल से लेके और वो चांदनी चौक लाल किले वाला रोड अगर क्रॉस करना पड़ जाए तो आ नहीं सकता बंदा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नागालैंड की जो ऑडियंस है तुम बताओ कि भाई दीमापुर में सचो मतलब इतना यार इतना ट्रैफिक रहता है, और दीमापुर से निकलते ही ट्रैफिक पूरा खत्म, खोलने के बाद पता लगेगा यार अच्छी खासी मिट्टी है, हाँ ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है वैसे तो नहीं है, फिर निकली ना थोड़ी है, ये बहुत है, बहुत ज्यादा नहीं मिट्टी तो चलो है, लेकिन जो शिनोई लेक पे हमने जो साफ करी थी उस वक्त तो ज्यादा थी, वो है ना ये तो उल्टा, मुझे अभी इधर कुछ नहीं पता क्योंकि 10:45 की फ्लाइट, ट्रेन की बात नहीं कर रहे, फ्लाइट के लिए तो वैसे भी 1.5 घंटे पहले पहुंचना होता है और मेरे को 10:30 दिखा रहा है, मतलब ये देखो भाई यहाँ पे 1:50 बच रहा है एंड अभी अराइवल टाइम हमें दिखा रहा है 9:25, भाई मीटर खेस दिया तुमने तो, भाई ने तो भगाई है, फिर तब जाके कवर हुआ है हमने, कितना 1 घंटा ऊपर कर दिया हमने,
एक घंटा पहले का अपना अराइवल हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, हमने वेब चेक इन वगैरह सब कर दिया है, बस आगे कहीं ट्रैफिक ना मिले, सबसे मेन बात ये है, जहां ट्रैफिक मिल गया तो हमारी खुद की, हां तो वहीं मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई। जीपीएस पागल हो गया, देखो यार हमारा जीपीएस एक बार कह रहा है इधर से पीछे ले लो, एक बार कह रहा है इधर से लेफ्ट ले लो, एक बार जाना सीधा है, जाना सीधा है, उसी रास्ते पे आ गए हम। मुझे लग रहा है भाई ये ना आसपास जो अपने रोड बन रही है उसको ऐसे हो रहा होगा। हाँ, माइट भी थोड़ा पर गूगल को अपडेट रहना चाहिए ना यार, गूगल को थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए, तभी तो गूगल गूगल है। और एक चीज माननी पड़ेगी भाई, भी 9 बजे दिखा रहा था अराइवल, अब 8:50 है, ओ भाई एक मिनट कम उतर आ रहा है, 8:56 दिखा रहा है, बहुत खुशी वाली बात है भाई, हमारी भाई जान चौक हो रही थी हम सब। वैसे हमें इसका मतलब 3 घंटे पहले पहुंच गए होते, बढ़िया, हमने रिलैक्स भी कर लिया होता और रेस्ट भी कर लिया होता, लेकिन अब चलो ठीक है, अभी भी थोड़ा रेस्ट मिल ही रहेगा, थोड़ा तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार एक चीज है भाई, भाई को हम शुक्रिया बोलेंगे, ठीक है, भाई को शुक्रिया भी क्या, भाई भाई को भी तो जाना है हमें कौन सा ड्रॉप कर रहे हैं भाई। लेकिन अजय भाई तुमने जो लेट कराया ना भाई, मुझे इस चीज की बहुत दुखी हुई, ठीक है, अगर तुम समय से उठते तो हम सही वक्त पे निकल जाते, क्यों अजय भाई, अजय 2.0 क्यों, लेट करवाए 1.0 बोल रहे हैं, नाम नहीं ले सकता किसने लेट करवाया, पर चलो कोई नहीं, वक्त पे पहुंच रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। एंड अभी भाई एक असम की गाड़ी स्कॉर्पियो हमसे बहुत ज्यादा पंगे ले रही थी भाई, उसका जरा बता दो भाई, वो मतलब पता नहीं वो फेक गवर्नमेंट ऑफ असम उन्होंने लिखवाया होता, लेकिन उनकी जो ड्राइविंग जो कर रहे थे वो लोग, तो उस हिसाब से दे आर नॉट सपोज्ड टू बी द बेस्ट, भाई इस तरीके से कट मार रहे थे, मैं तो आता हूँ यहाँ से ऐसे, अगर गाड़ी हमारी यहाँ पे उनकी गाड़ी वहाँ है तो ऐसे टिम टच करके ऐसे जा रहे हैं, अपनी पुलिस फ्लैशर उन्होंने जला दी, पता नहीं क्या, एंड पीछे बैठ के स्नैप बना रहे हैं भाई, कितनी गलत बात है वो तो। फिर तो भाई ने बोला कि यार उसी जगह पे क्या ऐसा करना, वरना क्या होता है लोग ना मॉडिफाइड गाड़ी देख के ना बहुत ज्यादा ऐसे करते ही रहते हैं। आपने भाई हर जगह देखा है, बहुत बार हुआ है, मतलब ये है कि इसके लिए मुझे लग रहा है डैश कैम अपनी गाड़ी में लगवाने पड़ेंगे, ताकि इन जैसे बीप कर देना इसको, बिल्कुल ठीक बात है, वीडियो क्लिप हमारे फोन में सेव रहे। मतलब अभी अगर कुछ अगर हमारे इंडशील्ड पे डैश कैम लगा हुआ होता तो उनकी सारी हरकतें कैद हो चुकी होती, वही ठीक है, और नंबर भी होता हमारे पास, और हमारे पास प्रूफ भी था इस चीज का कि वो क्या कर रहे हैं। और भाई यही होता है ना, अगर उन्होंने कुछ ठोकर मार भी दिया, कुछ उनके भी लग गई अगर उनकी गलती सही, तो भाई बंदे क्या बोलते हैं कि भाई अरे ये गाड़ी देखो कैसी लग रही है, इसी ने कुछ किया होगा, क्योंकि मॉडिफाइड गाड़ी का नाम खराब है जमाने में। बेसिकली होता क्या है यार, देखो किसी और स्टेट में आए हुए हैं, ठीक है, और स्टेट में किस लिए आए हुए हैं, यहाँ पे एक्सप्लोर करने आए हुए हैं, बिल्कुल यहाँ के लोगों को समझने आए हुए हैं कि भाई कैसे हैं, क्या है, ठीक है, अच्छा है, घूमना फिरना भी अच्छा होता है, तो एक तरीके से हम यहाँ पे टूरिज्म डेवलप ही कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं भाई, ठीक है, कहीं वीडियो डालेंगे तो बताएंगे ही, हम तो यही में से डालेंगे, असम में आधे लोग ये भी है भाई, समझ रहे हो, मतलब सबको नहीं कह रहा, मछली पूरे तालाब को गंदा कर ही देती है, फिर तो वो वाला सीन है कहने का मतलब, ठीक है, देखो ऐसे किया मत करो, अब वो असम हो, दिल्ली, हरियाणा, कोई भी है, मॉडिफाइड गाड़ी देख के बंदे बहुत बात है। चलो यार फाइनली वक्त पे आ गए, 9 बज रहे हैं अभी, ये रही अपनी गाड़ी, बेहतरीन सी फॉर्चूनर, भाई बोलते हैं अपनी फॉर्चूनर को है ना, अजय भाई तो आ रहे, पर तुम जानते हो गाड़ियां सारी ट्रॉले पे जाएंगी, कल सबकी फ्लाइट है, एंड गाड़ियां लोड होंगी ट्रॉले पे, गाड़ियां को गाड़ी आने में भाई मतलब बता रहा हूँ 5-7 दिन लग जाएंगे, क्योंकि बाई रोड आएंगी, ट्रॉले समझ रहे हो ना, बड़ा वाला ट्रक जिनको नहीं पता है ना। अवनीश जी थैंक यू मिलते हैं कभी बैंगलोर, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू, वी हैड फन इसका मतलब क्या है, वी हैड फन इन द ट्रिप ऑफ रोड, वी हैड फन इन ऑफ रोडिंग, गुड, चलो सामान वगैरह निकाल लिए, तो अजय भाई को बोलेंगे हम बाय, अजय 2.0 बाय निकलोगे, हाँ चलो अजय, अजय भाई गाड़ी लेके जा रहे हैं, अविनाश जी को लेके, सॉरी अवनीश जी, बड़ा टंग ट्विस्टर नाम है, अवनीश जी को लेके जा रहे हैं, एंड भाई गाड़ी पहुंचा देना समय पे, ठीक है, बाकी चलो मिलते हैं, खाना वाना खा लेना, ओके। कल यार फिर लेट नाइट आया मैं फ्लाइट से, एंड अभी मैं अपने लिए ये देखो नान एंड नारियल पानी एंड साथ में मलाई लेके आया हूँ, और बहुत थक गया था फ्लाइट से ना, सच में दिल्ली लैंड होती थी, नींद आती थी, सो गया था, वो क्लिप नहीं बना पाया था, पर आती मेरे को सरप्राइज मिला, क्या घर पूरा रेडी हो गया अपना, पेंट वगैरह सब डन है, लुक देखो तुम, ये देखो, देख रहे हो कितना सही पेंट हो गया है, येलो कलर में टच दिया हुआ है, एंड तुम यहाँ से देखो जो ब्लू वाला था टच वो तो रखा ही है, ब्लू प्लस येलो का कॉन्ट्रास्ट दिया गया है, एंड साथ में जो अपने किराएदार का घर था उनका घर भी अंदर बाहर से दोनों पेंट कर दिया गया है ना, पर देख लो मुझे बताना कमेंट्स में कैसा लग रहा है लुक, एंड ये अपना नॉडी, एंड नॉडी को भी देख लो भाई, पूरा मूड गीला है इसका, आगे से इतनी गर्मी हो रही है, बाल्टी का तो मूड आगे गीला करना पड़ रहा है, इसमें यार दिल्ली आते हुए चला कितनी गर्मी हो रही है भाई, जब तक अपन बाहर थे तब तक तो यार दोपहर में गर्मी, रात में ठंड, बहुत सी होता था,
पर दिल्ली का तो सीन ही अलग है, दिल्ली में तो सुबह शाम रात गर्मी गर्मी पड़ रही है, गलत वो भी। चलो फाइनली मैंने ना, क्योंकि आउट ऑफ में आया था, मैं जानता हूँ ये वाला लोग थोड़ा छोटा बना हुआ, क्योंकि यार भाई सच में मतलब जब मैं पकड़ रहा था ना फ्लाइट, तुम लोगों को मैं दिखाया था, मेरे पास एकदम मेरे को एकदम शक्ति नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, मेरे को लग रहा था फ्लाइट में मिस करूँगा करूँगा, पर वो तो चलो थैंक्स टू अजय भाई है ऑल ओवर, मतलब उनकी वजह से ही फ्लाइट पकड़ ले गए अपन, वरना भाई नहीं पकड़ पाते, मतलब अपन बहुत लेट हो गए थे, लेट ही चले थे वहाँ से, मतलब तुम जानते हो अपने ब्लॉग में देखा ही, एंड बाकी कल से तुम देखना दिल्ली से अपनी डेली लॉग चालू होंगे, एंड जो बीच में एक दो दिन में क्या तीन चार दिन छूट गया था, तो भी बताया था मैंने, वो भाई नेटवर्क नहीं था, अपना मन और प्लान तो पूरा था कि ट्यूसडे व्लॉग डालेंगे, पर तीन चार दिन थोड़े मिस हो गए, उसके लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, कभी आने वाले दिनों में अपन एक दिन में दो व्लॉग भी डाल देंगे कवर करने, जैसे अभी पिछले दिन मिल रहा था, तो बताया था मैंने, है ना। चलो नाश्ता करेंगे क्योंकि सो के अभी उठाऊँ मैं, थोड़ा टाइम भी देख लो, 4 बज रहे हैं भाई, लंबा ही सो गया मैं, एंड साथ में पानी पियेंगे अपना नल वाला, मलाई खाएंगे बढ़िया से, ठीक है, तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब दिल्ली आ गए हैं तो ओमनी का मामला भी डन करते हैं, ओमनी या तो मुझे भी जिप्सी देखने जानी है, तुम लोग देखना कि जिप्सी में सूट गएगी अपनी या ओमनी में, तुम लोगों को पूरा ब्लॉग में पता लग जाएगा आगे, ठीक है। चलो एंड करते हैं वीडियो को, तो यार मैं मास्टर बटो अमिताभ से अगर तक नहीं, गुड बाय, साइनिंग आउट, एंड 30 मिनट्स गैंग को डबल लव जियो भाई, तुम जानते हो कल 8 से 10 के बीच अपना एपिसोड आएगा, रेडी रहा करो बस, 8 से 10 के बीच में मास्टर बटो का डेली ब्लॉग आता ही आता है, ठीक है। चलो खत्म करते वीडियो को, बाय।